हमास हमले के एक साल बीत जाने के बाद युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इसराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। इसी कड़ी में अब इसराइल ने अपने अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-35 को मैदान में उतार दिया है। वहीं ईरान की मदद के लिए रूस आगे आ गया है। ऐसे में दो सुपर पावर के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाने से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इसराइल ने उतार दिया है अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 जो उसे अमेरिका से मिला है। इसका मुकाबला करने के लिए दावा किया जा रहा है कि ईरान को मिल गया है रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुभ होने वाला है। ईरान और इसराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा साफ नजर आ रहा है। अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली है। इस युद्ध में सबसे नए हथियारों के मुकाबले की 100% गारंटी है। साथ में दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के हथियारों का ऐसा मुकाबला हो सकता है जो दुनिया ने यूक्रेन की जंग में भी नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब रूस ने खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन है और बाइडेन की पूरी कोशिश है कि इसराइल के हथियारों की धार कम ना हो। सवाल है कि इसराइल अब ईरान से बदला कैसे लेगा। ईरान पर हमला करने के लिए उसके पास टारगेट तो हैं, लेकिन उन पर वार करने के लिए इसराइल के पास सबसे बड़ा हथियार F-35 ही है। दूसरा हथियार इसराइल की जेरिको मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ऐसी मिसाइल को इसराइल ज्यादा पेलोड यानी विस्फोटक से लैस करके ईरान पर बरसा सकता है। इसराइल के ये दोनों हथियार उसके मजबूत विकल्प हैं, लेकिन इनमें से F-35 को ईरान भेजना बड़ा जोखिम उठाना जैसा है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि इसराइल के इस फाइटर जेट को रोकने के लिए उसके पास रूस वाली गारंटी है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, या फिर रूस इसे बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में ऑपरेट कर रहा है। خوبی بین ما صورت گرفت ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه ما به مشورت‌های خودمون با اون که ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه برای هر عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه सवाल है कि क्या F-35 जैसे खुफिया फाइटर को रूस का S-400 रोक सकता है? कैसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को ईरान पर जवाबी हमला बहुत भारी पड़ सकता है। F-35 दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। अगर इसराइल ने इसे लॉन्च किया तो इसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट अड्डे होंगे, तेल के ठिकाने होंगे, ईरान की लीडरशिप होगी। ईरान को भी पता है कि इसराइल का F-35 छुपकर हमला बोल सकता है। ये ईरान के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अब सवाल है कि इसके खिलाफ ईरान क्या रणनीति अपनाएगा? तो जवाब है S-400,
जो दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो स्टेल्थ विमानों को भी गिरा सकता है, ऐसा रूस का दावा है। अगस्त में ईरान आए रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु से ईरान ने यही डिमांड रखी थी। ईरान ने रूस से S-400 मांगा था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को S-400 मिल चुका है। ईरान की मांग को लेकर शोइगु ने साफ कहा था कि हम हर क्षेत्र में ईरान से सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब समझ लीजिए कि S-400 को लेकर पुतिन ने क्या फैसला लिया होगा। इस तरह की भी रिपोर्ट आई है कि ईरान में S-400 को ऑपरेट रूस के ही टेक्नीशियन और इंजीनियर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ईरान की फोर्स इस सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएगी। S-400 दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। ये स्टेल्थ विमान को आराम से ट्रैक कर सकता है। ये क्रूज और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी गिरा सकता है। इसे F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रोजाना भीषण होता जा रहा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अब अमेरिका को भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। इजराइल पर जिस तरह से हमले ईरान ने किए हैं उससे साफ है कि खाड़ी में अमेरिका के अड्डे भी ईरान की मिसाइल पावर से सुरक्षित नहीं रहेंगे। करीब 39 F-35 विमान हैं, लेकिन ईरान के हमले में दावा किया जा रहा है कि कई विमान तबाह हो चुके हैं। हालांकि इसराइल का कहना है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इसराइल अगर अपनी फुल एयर पावर से ईरान पर हमला करता है तो उसके सामने नई चुनौती होगी S-400 की। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो F-35 और S-400 इन दोनों की टक्कर जबरदस्त होने वाली है। ये न सिर्फ ईरान और इसराइल की टक्कर होगी बल्कि दुनिया की दो बड़ी पावर अमेरिका और रूस के सबसे बेहतरीन हथियारों का भी मुकाबला होगा। ऐसी लड़ाई जो दुनिया ने यूक्रेन की जंग में भी नहीं देखी है। दुश्मन मिल्लत ईरान हमुन दुश्मन मिल्लत फिलिस्तीन है, همون دشمن ملت لبنان است، همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. ईरान ने अब अमेरिका को भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। इसराइल पर जिस तरह के हमले ईरान ने किए हैं उससे साफ है कि खाड़ी में अमेरिका के अड्डे भी ईरान की मिसाइल पावर से सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये गारंटी अली खामेनेई और उनके कमांडर बार बार दे रहे हैं। इसलिए अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो समझ लीजिए कि इलाके में उसका बचा खुचा रसूख भी पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। No administration has helped Israel more than I have. None. And I think Bibi should remember that. And whether he's trying to influence the election or not, I don't know, but I'm not counting on that. F-35 एक ऐसा विमान है जिसके टक्कर में ईरान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन उसके पास अगर रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो गेम एक तरफा नहीं रहेगा। ईरान की मिसाइल पावर इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने इस इलाके में अमेरिका की भूमिका को कमजोर किया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर भागा। ईरान के आत्मविश्वास की वजह उसके हथियार भी हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ईरान की धमक को मजबूत कर रहे हैं। ईरान के खतरे को देखते हुए इसराइल पहले ही बड़ा कदम उठा चुका है। इसराइल अब अमेरिका से 25 और F-35 जेट खरीद रहा है।
हाल ही में आए 3 नए जेट के बाद इसराइल का F-35 फाइटर का बेड़ा 39 विमानों का हो चुका है। इसराइल चाहता है कि उसके पास 75 F-35 हों ताकि वो ईरान का मुकाबला कर पाए। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 ईरान ही नहीं बल्कि रूस के रडार सिस्टम के लिए भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि ईरान के पास इस फाइटर को रोकने की ताकत नहीं है और वो जब चाहे उस पर बहुत खामोशी से हमला कर सकता है। इसराइल तो कई बार ईरान पर हमले की तैयारी भी कर चुका है ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सके। दुनिया की एजुकेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहाँ लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। अमेरिका बार बार कहता आया है कि रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसलिए यूक्रेन में रूस के ईरानी ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरह से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। Believe that global markets are well supplied and continue to expect that in the U.S. we'll continue to see those low gas prices. And of course, we have really effective ways of addressing some of those geostrategic volatility. We've used it in the past. We have the capacity to use it again. So right now, markets are very well supplied and we anticipate them to remain so. पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध के हालात बन चुके हैं। ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इसराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि दोनों में तनाव कम होने से दोनों देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें पहला नंबर है अमेरिका का और दूसरा इसराइल का। ये बात खामेनेई ने भी साफ कर दी है।